दोस्तों महुआ मोहित्रा के साथ बहुत ही विचित्र घटना हुई है। दोस्तों महुआ मोहित्रा एक सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के कृषि भवन से उनको गोद में उठाकर ले गए हैं। और ये जो पूरा मित्रों वीडियो है, ये वीडियो अब सामने आ गया है और ये वीडियो जो है लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और इस वीडियो को लेकर के जो महुआ मोहित्रा है वो लगातार एक तरह से विक्टिम कार्ड भी खेल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है वो महुआ मोहित्रा पर निशाना भी साध रहा है। यानी वो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो महुआ मोहित्रा विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये महुआ मोहित्रा वही है जो बार गलत इशारे करती हैं और कई बार उन्होंने अपने भाषण में अंदर जो है अमर्यादित टिप्पणी और गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया है और अपशब्द भी बोले हैं। तो दोस्तों महुआ मोहित्रा एक ऐसी सांसद जो कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के लिए काफी ज्यादा बदनाम रहती है, लेकिन अब जो है वो इस वीडियो को लेकर के काफी ज्यादा चर्चित हो रही है। तो क्या ये पूरा वीडियो है, इसकी हम बात करेंगे मित्रों। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है, आराम से। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है, ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है, आराम से। और इसके अलावा मित्रों मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को आप मित्रों सेव कर लीजिएगा। इस पर एक मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे सभी जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे। जो दिलचस्प आर्टिकल्स मेरे होते हैं वो आपको मैं इस व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, लेकिन आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा और एक मिस्ड कॉल जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जब उनको उठा करके ले गए, जब उनके हाथ पैर पकड़ करके उनको उठा कर ले गए, तो उस समय उनका जो हैंडबैग था कहीं, जो उनका बहुत महंगा हैंडबैग है लुई विटन का, वो हैंडबैग उनका कहीं नहीं दिख रहा था। इसके अलावा उनका जो मोबाइल था कह रहे हैं कि वो भी जब्त कर लिया गया है। तो आखिर महुआ मोहित्रा ने ऐसा क्या किया, आखिर टीएमसी ने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद इस तरह का तगड़ा एक्शन हुआ, इसके बारे में हम मित्रों बात करेंगे। लेकिन मित्रों उससे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें और भी दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर की है, जब दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, वो किसी वजह से गई हुई थी और वहां पर पुलिस ने उनको जो है किस तरह से अरेस्ट किया था। जरा तस्वीरें देखिए कि जब पुलिस अपने पर आती है तो पुलिस क्या कर सकती है। नो, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के साथ। आप जाइए मैडम, उधर से पीछे लाइन है, गमले बन के खड़ी हुई है, यहाँ उठाए के चलिए आराम से मैडम। आराम से, आराम से, आराम से, मैम आराम से लग जाएगी मैम, प्लीज प्लीज, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए, आई एम नॉट एक आदमी होगा, प्लीज कोऑपरेट कर। व्हाट द हेल इज दैट, प्लीज कोऑपरेट कर। अरे ये क्या घूम रहा है, आपको कैसे पकड़ रहे हैं, उनको भी पकड़ लेंगे, प्लीज क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार, छोड़ना है मैडम। दोस्तों ये मामला कल का है, जब दिल्ली के कृषि भवन में टीएमसी के सांसद, जिसमें कि अगर देखा जाए तो महुआ मोहित्रा शामिल थी, कई और सदस्य शामिल थे टीएमसी के, और इसके अलावा ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी शामिल थे, 40-50 के करीब लोग थे। और ये सब लोग जो है दिल्ली के कृषि भवन में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और 2-2.5 घंटे तक वहां वो बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने फिर वो मिले नहीं और वहीं पर बैठकर वो कृषि भवन में बैठकर वो धरना प्रदर्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया। और मित्रों इस धरना प्रदर्शन के बीच में ही जब काफी देर हो गई और वहां से वो नहीं हटे, तो जबरन जो है पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और इस दौरान वो दिल्ली जो भी सांसद थे टीएमसी को, उनको वहां से ले गए। इसी दौरान मित्रों जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोहित्रा, वो वहां से उठने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब वो नहीं उठने को तैयार हुई तो वहां पे जो सुरक्षाकर्मी थे, जो महिला सुरक्षाकर्मी थी, उन्होंने उनको जबरन उठाया और एक तरह से उनको उठा करके वहां से वो ले जाने लगे। तो दोस्तों इसकी वजह आखिर क्या थी? दरअसल मित्रों जो साध्वी निरंजन ज्योति जो है, जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए ये सब लोग आए हुए थे और इनका ये कहना है कि हमको 2-2.5 घंटे तक इंतजार कराया। टीएमसी के लोगों ने कहा कि हमको 2-2.5 घंटे तक इंतजार कराया और इसके बाद भी हमसे वो मिली नहीं। लेकिन जो साध्वी निरंजन ज्योति हैं उन्होंने इस पर बहुत तगड़ा जवाब दिया है, क्या जवाब दिया आपको आगे बताएंगे मित्रों। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो मामला है मित्रों, ये फंड एलोकेशन का मामला है, यानी जो फंड का बंटवारा करते हैं उसका मामला है। और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो आरोप ये लगा रही है केंद्र सरकार के ऊपर कि
7,000 करोड़ रुपए जो है वो पश्चिम बंगाल के केंद्र के ऊपर जो है बकाया है, और वो जो पैसा है वो देने के लिए एक तरह से तैयार नहीं हो रही केंद्र सरकार, ऐसा टीएमसी के सांसद आरोप लगा रहे हैं। और जो ममता बनर्जी है वो भी मित्रों इस पर विक्टिम कार्ड खेल रही है। ममता बनर्जी ने मित्रों इस पर यह कहा है कि अगर उनको ये 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते हैं तो वो मोदी के सामने भीख मांगने नहीं जाएंगी, बल्कि वो पश्चिम बंगाल की जनता के सामने भीख मांगेंगी और उनसे जो है 7,000 करोड़ रुपए लेंगी। यानी अगर देखा जाए मित्रों तो सीधे सीधे ममता बनर्जी जो है वो भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। और उन्होंने पहले जो किया था, यानी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल के मित्रों, उस वक्त भी इन्होंने यही किया था कि वो विक्टिम कार्ड एक तरह से खेल रही थी और वहां पे वो अपना पैर तोड़ के बैठ गई। उन्होंने कहा मेरे पैर में चोट लग गई और इसके बाद उनको सहानुभूति मिली, इससे उनको बहुत फायदा भी हो गया। तो उसी तरह से एक बार फिर से अब वो जो है भीख मांगने की कोशिश, अब वो भीख मांगने की बात करके कि हम जाके पश्चिम बंगाल की जनता से भीख मांगेंगे, ऐसी बात करके देखा जाए तो वो पूरी तरह से एक विक्टिम कार्ड खेलने की मूड में आ गई है और 2024 की पूरी चुनावी तैयारी जो मित्रों वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो मामला है मित्रों इतना सरल और इतना आसान नहीं है। दरअसल मित्रों ये जो पूरा फंड का एलोकेशन है इसमें विवाद क्या है, दरअसल मित्रों ये मामला पूरा ये है कि 10 सालों के लिए जो है 54,000 करोड़ रुपए जो मनरेगा का पैसा है वो अलॉट किया था केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन मित्रों इसमें हुआ ये कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए की धांधली इसमें हो गई, और उसकी वजह मित्रों ये रही कि लगभग 5,000 के करीब जो है वो फर्जी जॉब कार्ड बनवाए गए थे, यानी कि नाम लिख दिया गया था कि साहब मनरेगा में काम करते हैं मगर वो पैसा जो गबन हो गया। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा गबन हुआ तो जाहिर सी बात है कि जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक आगे कुछ पैसे रिलीज करने में शायद समस्या होगी। इसी वजह से 7,000 करोड़ रुपए जो बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है उसको शायद रोका गया है, और उसी के विवाद को लेकर के ये आपस में मेल मुलाकातों की बात चल रही थी। लेकिन इसके बाद मित्रों ये लोग जितने एक तो गबन किया उसके बाद भी ये लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे, और अब जो पूरा मामला है वो जब लेकर के ये साध्वी निरंजन ज्योति के पास गए टीएमसी के सांसद, तो वहां पे इन्होंने जो है एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया। उन्होंने पहले कहा कि साहब हम मिलेंगे लेकिन वो मिले नहीं, और साध्वी निरंजन ज्योति ने इस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने उस वक्त का यानी कि उन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है, उन्होंने पूरा एक वीडियो का जो पूरा स्क्रीनशॉट लगाया है सीसीटीवी फुटेज का, उसमें वो दिखा रही है कि वो जो है वहां पे मौजूद है लेकिन उनसे कोई मिलने ही नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो महुआ मोहित्रा है उन्होंने उसी ट्वीट पर एक रिप्लाई किया है, रिट्वीट किया है, और साफ साफ ये बोला है कि साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो झूठ बोल रही है साफ साफ। और दोस्तों सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं यानी कि अभिषेक बनर्जी वो भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और उन्होंने ये बोला है कि हम सिर्फ मात्र 50 लोग वहां पे मौजूद थे लेकिन वहां पे 10,000 के करीब सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे उनका प्रदर्शन रोकने के लिए। यानी अगर देखा जाए मित्रों तो 10,000 के करीब तो वहां पे सुरक्षाकर्मी आ ही नहीं सकते हैं जहाँ की वो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं साहब 10,000 लोग हमको रुकने आए थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंडिया और चाइना का युद्ध होने जा रहा है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो मित्रों ये सब जो टीएमसी कर रही है ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उसको पश्चिम बंगाल की जनता की एक सहानुभूति मिले, क्योंकि ये बात ममता बनर्जी जानती है कि अब उनके जो दिन है वो पश्चिम बंगाल में गिने चुने रह गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल के अंदर है हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए, और पश्चिम बंगाल की इसी राजनीति से डर करके अब ममता बनर्जी एक बार फिर से वही विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं जो उन्होंने पहले भी खेला हुआ था, और उसी पर वो भरोसा कर रही हैं। लेकिन वो अपनी जो टीएमसी की सांसद हैं महुआ मोहित्रा उनको जरा भी समझाने के लिए तैयार नहीं है, उनको ऊपर वो जरा भी नाराजगी व्यक्त नहीं करती क्योंकि वो जिस तरह का उनका आचरण रहा है अगर देखें मित्रों तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था जब इस साल, तो उस समय भी महुआ मोहित्रा ने एक ऐसी हरकत की थी, और उस समय महुआ मोहित्रा ने जो है एक जब बीजेपी के एक सांसद थे वो जब कुछ बोल रहे थे तो उस समय वो बीच में खड़ी हो गई और उन्होंने वहां पे जो है एक बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने एक गाली दी थी, और वो गाली जो थी मित्रों उसका जो हाथ से उसका उच्चारण होता है। और मित्रों इसके बाद जब जो प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने जब ये कहा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए महुआ मोहित्रा को, तो महुआ मोहित्रा ने कहा कि वो इस पर माफी नहीं मांगेंगी। उन्होंने बाहर निकल करके संसद के बाहर निकल के एक बयान दिया कि वो सेब को सेब कहेंगी, सेब को संतरा नहीं कहेंगी। महुआ मोहित्रा आखिर क्या बोल रही है सुनिए। A person who has to fulfill these. And if you consider this after 10 years also, there are lot of this person who has to fulfill these. And if you consider this after 10 years also, there are lot of this person who has to fulfill these. And if you consider this. सुन लिया होगा आपने? बिल्कुल क्लियर आपने सुना होगा। संतरा नहीं कहेंगी यानी जो उन्होंने गाली दी थी उस गाली पे वो अड़ी हुई थी कि उन्होंने गाली दी सही गाली थी, लेकिन बाद में जो दोबारा उनकी आलोचना शुरू हुई तो उन्होंने फिर ये कहना शुरू किया कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था यानी कि उन्होंने बेसिकली हा से कहा था, हा रा और मा बे की मात्रा, तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई गाली होती ही नहीं है।
तो मित्रों ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर देखें तो हरमा यानी कि हरम से जो पैदा हुए उस जमाने में जब मुसलमानों का राज था, उनको जो है एक तरह से हरा और मा एक ही मात्रा ये कहा गया। लेकिन ये जो महुआ मोहित्रा है, इन्होंने पूरे मामले को बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा और गलत तरीके से पूरी बात को करने की कोशिश की। यानी कि देखा जाए मित्रों तो एक बार फिर से जो पूरी राजनीति है पश्चिम बंगाल की, उस पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति में अगर देखा जाए तो एक बार फिर से एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि न सिर्फ उन्होंने ये जो वीडियो है इसको टीएमसी खूब वायरल कर रही है, इसके अलावा ये भी महुआ मोहित्रा पूछ रही है कि एक तरफ जो है ये दावे कर रहे हैं भाई कि महिलाओं को हमने आरक्षण दे दिया, और दूसरी तरफ जो एक महिला सांसद है उसके साथ इस तरह की जो है बेरहमी की जा रही है, इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि उसको गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है, जबरन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मित्रों एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं तो आप सांसद हो या आप आम नागरिक हो, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और वैसे यहाँ पर भी हुआ, जब महुआ मोहित्रा नहीं उठ रही थी तो उनको जबरन जो लेडीज पुलिसकर्मी वहां पे थे वो आए और उनको उठाकर ले गए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर किसी पुरुष ने उनको हाथ लगाया होता तो वो एक तरह से गलत होता, लेकिन जब उनको वहां पे महिला जो सुरक्षाकर्मी थी वो उनको ले गए तो इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। और इसके बाद उनको ले गए वहां पे, 3 घंटे तक उनको जो है थाने में रखा गया, वहां पे और भी तमाम तरह के सांसद मौजूद थे, वो एक मतलब कि वहां पे क्राउड था तो वहां पर उनको 3 घंटे लगभग रखा गया, इसके बाद उनको वहां छोड़ दिया गया। यानी कि एक हिरासत में जो लेने की सामान्य प्रक्रिया होती है मित्रों, वही प्रक्रिया वहां पर फॉलो की गई थी। लेकिन जो महुआ मोहित्रा है उन्होंने पूरे मामले को इस तरह से बड़ा चढ़ा करके पेश किया है कि विक्टिम कार्ड खेलने के लिहाज में पेश किया है कि लोग उनको जो है कुछ सहानुभूति मिले और ममता बनर्जी को भी कुछ सहानुभूति मिले। और इस पूरी घटना के बाद जो है उन्होंने जो बयान जारी किया है, उस बयान में अगर देखें तो उनके जो चेहरा है पूरा एकदम बदहवास नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर पता नहीं कितनी प्रताड़ना की गई है। बीजेपी जो फॉल्स नैरेटिव एक देगा वो जगह अब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सब पता है हमने परमिशन लेकर जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जंतर मंतर के बाद सारे लोग डिस्पर्स हो गए, कम्प्लीटली पीसफुल था। उसके बाद हमारा परमिशन था एक जुलूस करके, एक रैली करके हम लोग जाएंगे कृषि भवन डेप्यूटेशन देके। जो जो जाने वाले थे कृषि भवन, हर कोई का नेम, हर कोई का डेजिग्नेशन सब अलाउड था। जब कृषि भवन हम जा रहे थे 50,000 पुलिस और हम 20-25 लोग, आप लोग सब देखें। फिर वहां से हम लोग कृषि भवन पहुंचे, वहां पे हर किसी का नेम 3 बार चेक किया लिस्ट पे कि कौन कौन अलाउड है। सिर्फ एमपीज थे, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर्स थे और जो अफेक्टेड फैमिलीज थे 8 जने थे। वहां से 3 के बच्चे 3 दिन पहले, वो मड घर जब उनके ऊपर कलैप्स किया, 3 बच्चे उनके मर गए थे परसों दिन, वो भी आए थे। तो सब अकॉर्डिंग टू नेम्स हम डेलीगेशन गए। क्या करना था, हम जाके उनसे मिलना था एमओएस से, वो भी एमओएस पहले 12 बजे टाइम दी, फिर उसको चेंज करके बोली 6 बजे। वी सेड नो प्रॉब्लम। हम लोग ठीक 6 बजे पहुंच के, आप लोग सब देखे, हमारे साथ वो चिट्ठियां थी जो हम बंगाल से लाए हैं, जो हमारे अफेक्टेड वर्कर्स के हैं। 6 बजे वोट बैठे, 7:30 बजे तक हम बैठे रहे कॉन्फ्रेंस रूम में, ऊपर नीचे खबर भेज रही है, नहीं 1 को मिलेंगे, नहीं 2 को मिलेंगे, हम लोग सबको नहीं मिलेंगे, हम अफेक्टेड फैमिली से नहीं मिलेंगे। आप तो डेलीगेशन को अप्रूव करके नेम्स लेके तभी तो हम कृषि भवन के अंदर गए। हम तो कृषि भवन में कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में कोई इलीगल एंट्री नहीं किए, हर नेम चेकिंग। तो अगर आपको मिलना ही नहीं था हमको बुलाए। लेकिन जो एक्चुअल मामला है वो जो है करप्शन का मामला है, वो फंड के बंटवारे का मामला है, और जो मनरेगा का पैसा जो था जो कि गबन कर लिया गया लगभग 7,000 करोड़ रुपए, जो वहां पे 5,000 के करीब फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए हैं, उसकी जांच का पूरा मामला है। लेकिन उस पूरे मामले को जो है दबा करके इस पूरे मामले को अलग तरह से उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसको जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है मित्रों उसमें भुनाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की एक शुरुआत जो है वो कर दी गई है। तो मित्रों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हनुमान, धन्यवाद।